बेहतर से बेहतर प्रयास करो, मिले नदी तो समंदर की तलाश करो। जैसे टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर की ऐसा शीशा तलाश करो। नमस्कार मित्रों, एक नए वीडियो में तथा इस वीडियो में हम ये चीज समझने वाले हैं कि अगर आप यूपी पॉलिटेक्निक 2023 का, क्या है दोस्तों, 2023 का एंट्रेंस एग्जाम देना चाहते हो, फॉर्म संबंधित आप जानना चाहते हो कि जो उसका फॉर्म है वो कब आएगा, एग्जाम कब होगा, फॉर्म को कौन भर सकता है, तैयारी कैसे करें, सिलेबस क्या है, क्लास टाइमिंग, जो जो चीज मैंने फॉलो किया था, मैंने पॉलिटेक्निक कॉलेज कैसे निकाला था, या मैंने कई लगातार पिछले वर्षों में भी 2022 में बहुत सारे स्टूडेंट को सिलेक्शन दिलवाया हुआ है। तो अगर आप भी सिलेक्शन पाना चाहते हो तो आप मेरे साथ लगातार वीडियो में बने रहिए। इस वीडियो में आपको मैं ये भी बता दूंगा, क्योंकि जिनके घर में या कोई होगा पॉलिटेक्निक किया होगा तो उनको तो पता है कि पॉलिटेक्निक में एडमिशन कैसे मिलता है, यानी कि चयन प्रक्रिया के बारे में, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, यानी इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, कैसे कैसे आप क्या है एडमिशन पा सकते हो, पहले एग्जाम होगा, एग्जाम कैसे होगा, सिलेबस क्या है, और आपको फॉर्म कैसे भरना होगा, कितने रुपए लगते हैं, इससे संबंधित हम हर चीज आपको बताने वाले। तो मित्रों आप मेरे साथ लगातार बने रहिए। तथा मित्रों मैं आपको बता दूं, मैं 2018 से लेकर 21 के मध्य में पॉलिटेक्निक किया हुआ है, 2021 से लेकर लगातार 2022 तक तैयारी एंट्रेंस एग्जाम की करवा रहा हूं, जिसमें हजारों स्टूडेंट ने क्या सिलेक्शन पाया है। आप मेरे टेलीग्राम चैनल से अगर नहीं जुड़े हो तो जुड़ सकते हो, वहां पर आपको हर सूचना मिलती रहेगी। तो चलिए, जिसके लिए आप इंतजार कर रहे थे उसको हम एक एक करके समझेंगे, तो थोड़ा सा आपको पेशेंस बनाकर चलना होगा, है ना, थोड़ा सा आपको समय देना होगा, सारी चीज आपको हम बताएंगे। अगर हम बात करें चयन प्रक्रिया के बारे में, जिसे हम इंग्लिश में सिलेक्शन प्रोसेस बोल देते हैं, तो सबसे पहले फॉर्म आएगा, फॉर्म आने के बाद में आप भरोगे, उसके बाद में एग्जाम डेट क्लियर हो जाएगा। और ये सब कहाँ क्लियर होता है, ये जेई कप की हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है, गूगल पर आप डालिएगा जेई कप, जे डबल ई, क्या डालोगे, जे डबल ई सी यू पी, कप जैसे डालोगे तो ये ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम है ना, और यूपी उत्तर प्रदेश है ना, जैसे आप डालोगे आपको ऑफिशियल वेबसाइट मिल जाएगी। अगर सिलेक्शन प्रोसेस बारे में बात करें तो आपका क्या होगा, फॉर्म आएगा, अप्लाई करोगे, आपका एग्जाम होगा, यानी कि आपका एग्जाम होगा, और एग्जाम कैसे होता है, ऑनलाइन होता है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आगे आपको मैं हर चीज बताऊंगा कि ऑनलाइन एग्जाम कैसे देते हैं, कैसे कैसे किन गलतियों को नहीं करना है, क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम में आपका बहुत फायदा है। फायदा ये क्या है, आपका इसमें समय बचता है, ऑनलाइन एग्जाम होगा, उसके बाद में आपका रिजल्ट आ जाएगा, रिजल्ट आने के बाद में आपकी काउंसलिंग होगी, क्या होगा दोस्तों, काउंसलिंग होगी, काउंसलिंग स्टार्ट इस समय बच्चों का था, बंद हो गया है, अब एडमिशन पा चुके हैं बच्चे, उसके बाद में एडमिशन होगा, बस आप पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट बन जाओगे, सिंपल प्रोसेस है। काउंसलिंग करवाना होगा, काउंसलिंग भी क्या होती है, ऑनलाइन होती है, आप अपने घर से बैठकर करवा सकते हो, लेकिन जो एग्जाम होता है वो आपको कहीं सिटी कानपुर लखनऊ जाकर देना पड़ेगा, परेशान होने की बात नहीं है। अब हम आगे बात करें कि एग्जाम डेट के बारे में, तो मैं एक एक करके यहाँ पर इसकी सार लगा रहा हूँ यहाँ पर, तो आप देखते रहिएगा। देखिए आपको मैं 3 साल का बताऊंगा, 2019 का कब आया था, 20 का, 21 का कब आया, 22 का कब आया, उससे आप एक अनुमान लगा सकते हो कि 2022 का जो फॉर्म है वो कब आएगा। क्योंकि मैं अभी अगर आपको बता दूं कि दिसंबर में आएगा, जनवरी में आएगा, तो आप कहोगे भैया आपको कैसे पता चला, तो आपको प्रीवियस जो पिछले वर्षों में कब कब फॉर्म आया है उसको आप देखते रहिए, मैं बोलता रहूंगा। यहाँ देख सकते हो ये ऑफिशियल हमारा सरकारी रिजल्ट से है, इसमें देख सकते हो आप, अच्छे से आप पढ़ लीजिए, इसमें देखिए जो 2019 का जो फॉर्म आया हुआ है वो कब आया हुआ है, 1 जनवरी 2020, हाँ ये 2020 का जब आप देखोगे तो 1 जनवरी 2020 को फॉर्म आया था, और ये कब तक भरा गया, 20 मई तक भरा गया, यानी कि 5 महीना टोटल भरने के लिए समय मिला, लेकिन उस समय क्या है, कोरोना चल रहा था, पेंडेमिक यानी आपकी महामारी चल रही थी, जिसके लिए इतना समय दिया गया, हालांकि 3 महीने का तो कम से कम समय फॉर्म भरने के लिए दिया ही जाता है, है ना। एग्जाम कब हुआ तो आप देख सकते हो 12 से 15 सितंबर को क्या हुआ, आपका एग्जाम होगा, एग्जाम में तो बहुत लेट हो गया। फिर देखिए 2021 का, देखिए 2021 फरवरी में फॉर्म आया, और ये क्या है, जुलाई तक चला, टोटल के टोटल 5 महीने फॉर्म भरने के लिए इसमें भी समय मिला। एग्जाम कब हुआ, अगस्त और सितंबर में हुआ, यानी ये 4 सितंबर तक आपका जो है एग्जाम चला, इसमें की कंडक्ट हुआ। अगर हम बात करें 2022 का कब तक हुआ, तो 2022 का आप देख सकते हो इसका जो फॉर्म भरना है ये 12 फरवरी 2022 से लेकर और ये 5 मई 2022 तक, कम से कम 3-4 महीना समय तो फॉर्म भरने के लिए मिलता ही। एग्जाम कब हुआ, 27/30/2021
22 यानी कि 27 से लेकर 30 जून तक आपका एग्जाम हुआ था, 27 से लेकर 30 जून तक एग्जाम हुआ था। हालांकि ये थोड़ा सा घट भी एग्जाम को क्या है थोड़ा एक्सटेंड कर दिया गया था, लेकिन आपको इतना जानना है कि इतने में आपका क्या है एग्जाम हुआ था, है ना। अब हम बात करें कि 2023 का फॉर्म कब आएगा, ये आप अच्छे से समझ लीजिए। 2023 के बारे में हम बात करें तो देखिए, मैं आपको पूरा पूरा कॉन्फिडेंस के साथ कहना चाहूंगा कि लास्ट दिसंबर, नवंबर चल रहा है, लास्ट दिसंबर 20 तारीख के बाद में ही, नहीं तो 20 दिसंबर के बाद या 15 जनवरी तक आपको क्या है फॉर्म देखने के लिए मिल जाएंगे। यानी कि अगर हम बात करें तो 15 दिसंबर से लेकर और लगभग में आपको 15 जनवरी तक आपको फॉर्म देखने के लिए मिल जाए, थोड़ा सा इससे बहुत ज़्यादा लेट नहीं होगा, है ना। और एग्जाम की बात करें तो कम से कम 4 महीना 5 महीना, यानी कि मई में आपने पिछला रिकॉर्ड देखा होगा कि सबके एग्जाम क्या हो रहे हैं, मई जून में हो रहे हैं, तो इसका एग्जाम भी आप मई मान सकते हो, मई लास्ट तक आपके एग्जाम है वो करवा लिए जाएंगे। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखकर चलना है कि हमारा जो फॉर्म आएगा वो 1-2 जनवरी तक आएगा, हमारा जो एग्जाम होगा वो मई में होगा, और तैयारी आपको अभी से ही करना चाहिए, क्योंकि थोड़ा थोड़ा आप क्या है अगर 10th में हो या 12th में हो तो उसके साथ में आप सिलेबस वगैरह देख लीजिए। इससे रिलेटेड मैंने वीडियो बनाया है सिलेबस संबंधित, फुल वीडियो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के आपके कितने कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो जाकर आप देख सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा कि फिजिक्स से कौन कौन से चैप्टर आते हैं, केमिस्ट्री से कौन कौन से चैप्टर आते हैं, है ना, सारा जाकर आप दे सकते हो। तो सिलेबस का जो आपका जो डाउट है उससे उस वीडियो के माध्यम से क्लियर हो जाएगा, नहीं तो आगे मैं अब आपको बता दूंगा। अब हम बात करें योग्यता के बारे में, कौन फॉर्म भर सकता है, तो देखिए अगर आप 14 वर्ष के हो गए हो, कब हो गए हो, 1 जनवरी 2023 तक अगर आप क्या है 14 वर्ष के हो गए हो, तथा नेक्स्ट आपका जो डाउट आता है अगर आप 10वीं क्या है पास हो या अपेयरिंग में हो, अगर आप इस समय 2023 में एग्जाम देने वाले हो इसका 10th का या 12th का, तो आप इस फॉर्म को बिल्कुल भर सकते हो। 10वीं पास होना चाहिए और 12वीं में या पढ़ रहे हो या पास हो या 10वीं में, है ना, कम से कम 10वीं योग्यता मांगी जाती है। अब बात करें हम तैयारी के बारे में, तो इससे संबंधित हम आपको क्या है नेक्स्ट वीडियो में तैयारी कैसे करें, कैसे तैयारी करना होगा, इससे संबंधित हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे। लेकिन आपको इस वीडियो में ये चीज़ समझना होगा आपका जो पाठ्यक्रम क्या है, सिलेबस क्या है। तो देखिए आपके 3 सब्जेक्ट हैं, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, नेक्स्ट क्या आता है हमारा दोस्तों मैथ आता है। देखिए यहाँ पर आपको अच्छे से समझने की ज़रूरत है कि जो आपका फिजिक्स होता है, फिजिक्स से 25 क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं और केमिस्ट्री से भी 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और मैथ से आपके टोटल के टोटल 50 यानी कि टोटल 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी कि 50% जो वेटेज है वो आपके मैथ का ही है और 50% में आपके फिजिक्स और केमिस्ट्री का है। यानी आपको मैथ पर बहुत फोकस करना होगा, यानी जिन स्टूडेंट क्या है अगर आपका मैथ मजबूत है यानी अगर आप 50 में से 40 प्लस भी कर लेते हो या अगर 35 प्लस कर लेते हो तो आपका पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम बिल्कुल निकला हुआ है। और नेक्स्ट हम बात करें अगर फिजिक्स केमिस्ट्री, क्योंकि जो हमारा साइंस होता है इसमें भी स्कोर कर सकते हो, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा टफ साइंस नहीं पूछी जाती है कि आपको इसमें न्यूमेरिकल दिया जाएगा, ऐसा नहीं आता है, वन लाइनर में आता है। अगर आप थोड़ा भी कंसिस्टेंसी से मेहनत के साथ में अगर आप पढ़े हुए हैं तो आप ज़रूर इसमें सफल होंगे, है ना, तो आप समझ गए। अगर हम बात करें सर क्लास कब तक लाएंगे या भैया क्लास कब तक लाएंगे, क्लास का टाइमिंग क्या होगा, तो आपको ये भी चीज़ क्या है आप ये चीज़ जान के चलिए कि अब कभी भी आपका क्लास चाहे फिजिक्स हो केमिस्ट्री हो मैथ हो अब 1-2 दिन में क्लास में स्टार्ट करने वाला हूँ। यानी कि आप दोस्तों क्या है 5 नवंबर तक मानिए 5 नवंबर तक आपका रेगुलर क्लास चलने लगेगा। 5 नवंबर 2022 से आपका जो क्लासेस हैं वो कंटिन्यू मैं क्या है स्टार्ट करने वाला हूँ। इसी चीज़ पर मैं अभी तक फोकस कर रहा था, कुछ दिक्कतें थी, कुछ प्रॉब्लम था, कुछ समस्याएं थी, वो सॉल्व हो गई हैं। अब आपका जो क्लासेस हैं वो लगातार आपको क्या है नवंबर यानी 5 नवंबर से आने वाले 5 तारीख से आपका जो क्लासेस स्टार्ट होंगे। अगर आप इस वीडियो को लेट में देख रहे हैं जनवरी फरवरी में देख रहे हैं तो आप क्या है क्लासेस स्टार्ट हैं, जाकर आप हमारा प्लेलिस्ट बना हुआ है प्लेलिस्ट पर हमारे विजिट कीजिए। पिछले वर्षों में मैंने बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन दिलवाया हुआ है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तीनों सब्जेक्ट का प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाकर आप वहाँ से देख सकते हो। तथा मित्रों अगर आप मेरे साथ ये चीज़ आपको जानना है सिलेबस की फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में किस किस चैप्टर से सिलेबस पूछे जाते हैं, तो इस वीडियो का लिंक आपको कमेंट बॉक्स में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा,
जाकर वहां से आप देख सकते हो कि फिजिक्स से मापन से कितना क्वेश्चन आ रहा है। ऐसे करके मैंने पिछले साल वीडियो बनाया था, सिलेबस सारा सब कुछ सेम है, कोई चीज सिलेबस में हर साल वही सिलेबस रहता है, सिलेबस में कोई बदलाव नहीं होगा। अगर आप कमेंट करोगे तो नेक्स्ट वीडियो इस पर हम बना देंगे। तो तैयारी कैसे करना है आप सर्च कर सकते हो, तैयारी कैसे करें बाय सिलेक्शन विद राजेश, पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम प्रिपरेशन कैसे करें बाय सिलेक्शन विद राजेश, जैसे आप सर्च करोगे तो आपको हमारा वीडियो सबसे मिलेगा। तथा मित्रों अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, तथा अगर आपके मन में कोई भी डाउट है कि सर इसमें निगेटिव मार्किंग है कि नहीं है, तो निगेटिव मार्किंग 1/4 है, एक क्वेश्चन सही करोगे तो 4 नंबर आपको मिलेगा, गलत करोगे तो 1 नंबर काट लिया जाएगा, है ना। कोई भी अगर आपके मन में ऐसे संशय हैं तो आप हमें टेलीग्राम पर या इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप हमें कमेंट कर सकते हो। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि जैसे नेक्स्ट वीडियो अपलोड करें तो आपको आसानी से मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।